स्टूडेंट्स एस बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। माह जनवरी के लिए असाइनमेंट जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। अभी बीच में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा को लेकर। तो ये सारे जो है असाइनमेंट क्यों दिया जा रहा है, आखिर बच्चों को जब ऑफलाइन परीक्षा लेना है तो असाइनमेंट क्यों दे रहे हैं। लेकिन हम लोग यूट्यूब में अपना जो आंसर है दोस्तों वो तो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जब इन्होंने दिया है तो बच्चे जो है अगर जो नहीं लिखे, मैंने इसके पहले असाइनमेंट से संबंधित जानकारी आपको दे दिया है। जिन लोग नहीं देखे होंगे कृपया उनको उस वीडियो को ज़रूर देखें। सिर्फ दो असाइनमेंट जमा करना था, ठीक है। तो वीडियो की लंबाई मुझे नहीं बढ़ाना है, मैं शॉर्टकट तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले जो है बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है ना। तो असाइनमेंट हिंदी का विषय है, देखते जाइए। रस का अक्षय, पात्र से कवि ने रचना कर्म है किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखते जाएंगे। रस का अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, जितना बांटना है उतना आप बांट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी खाली नहीं होता है। इसके माध्यम से कवि निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इंगित करता है। पहला तो है साहित्यिक रचना का रस अलौकिक होता है, साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है, साहित्य की रसधारा असंख्य पाठकों को रस की अनुभूति कराती रहती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति पर उसने भव्यता का नंबर नहीं था, कैसे समझा कर लिखे। थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक हुआ है दोस्तों, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग मिलान कर लेंगे। इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति पर उसने भव्यता का आडंबर नहीं था। इस बात के लिए पीछे बहुत बड़ा ठोस कारण है, मोहनजोदड़ो शहर व्यवस्थित ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र में यह बात सामने आ जाती है कि वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी साधी थी, उचित रूप से चौड़ी और साफ थी। मकान की बनावट बहुत भव्य नहीं थी, अधिकांश मकानों पर यह बात पता चलता है कि यह सभ्यता हर तरफ से साधन संपन्न थी। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राजप्रसाद या मंदिर जैसे चीज़ें नहीं थी। इसके साथ वहाँ न तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं, न संत महात्माओं की समस्या। वहाँ मकान है तो उचित रूप में, मूर्ति शिल्प है तो छोटे छोटे इस प्रकार औजार भी होते हैं। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता कि है ना, इसको एक्सप्लेनेशन करने में समय लग रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे। प्रश्न तीसरा है बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। यह कविता सुंदर दृश्य बिंबयुक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्य को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियों को अपनाया है, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यावर के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बालों को देखता है, वे कजारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है और आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो गया है, उसके डेंगू फैलने का भय है, इस पर जो है एक पत्र शिकायत पत्र लिखना है। तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम रायपुर जल भराव की समस्या के समाधान हेतु, यहाँ पर लिख देंगे जैसा लिखा है वैसे, है ना। मैं रायपुर के सुरेंद्रनगर का रहने वाला हूँ, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि मेरे मोहल्ले में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, है ना। इसके कारण कई दिनों से यहाँ पर डेंगू मलेरिया का जो है वो चल रहा है, ऐसे करके नीचे में लिखा हुआ है सारी बातें, है ना। इसको मैं शॉर्ट में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। नालियों का पानी तो बहता ही रहता है, साथ में बरसात के पानी में भी यह पोखर में बदल जाता है। सड़कों पर बनी गड्ढों में पानी जमा होने के कारण मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की बंद पड़े सीवर लाइन की मरम्मत करवाए तथा पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कराए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बहुत समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव के आधार पर समझाइए।
तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लिखा हुआ है ठीक है। लेकिन फिर भी बता देना चाहूँगा कि आपको सिर्फ दो असाइनमेंट जो है जमा करने हैं। अगर जमा कर चुके होंगे तो ये इस पर और जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, है ना। इस पर टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी पढ़ाई जो है ख़राब हो जाएगी, है ना। इसको लिखने में ही 3-4 दिन का वक्त लग जाता है। तो इस प्रकार हिंदी के सारे असाइनमेंट दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मेरे चैनल में बहुत सारे आपको आइडिया दिया गया है किस प्रकार पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है। मेरे एक नोटिस लिखने का तरीका जो है 1 से 1.5 लाख व्यू चला गया है दोस्तों, है ना। आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है दो बच्चों को अपने चैनल से जोड़कर उनका बहुत सारा मदद भी करता हूँ।